नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदे तु सव सिद्धे धूमचल मणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमाशुद केवली भणिदम। समय सार नाम का महान परमागम भगवान कुंदकुंद आचार्य देव के द्वारा किसी धन्य घड़ी में इस परमागम की रचना हुई। ऐसे तो आचार्य कुंदकुंद देव ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उनमें समय सार का अपना विशिष्ट स्थान है। और विशिष्ट स्थान इसलिए है कि अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने सब कुछ किया धर्म के नाम पर भी, लेकिन जो बाकी रह गया और जिसके कारण धर्म नहीं हुआ वो वर्णन इस समय सार परमागम में आचार्य देव ने बताया है। क्या बाकी बचा कि एकमात्र अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना, सब किया आत्मा को छोड़ करके बाकी सब किया है, लेकिन आत्मा को नहीं पहचानने के कारण वो जो सब किया उसका कुछ भी फल नहीं हुआ चार गति परिभ्रमण के अलावा। और इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के प्रारंभ में ही ये बात कह दी थी। क्या कही? कि मैं उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा, है ना। यहां से एक तरह से समझ लो समय सार की पीठी मतलब प्रारंभ तो ऐसे पहली गाथा से हुआ कि जिसमें अनंत सिद्धों को नमस्कार करके आचार्य देव ने समय सार परमागम को कहने की प्रतिज्ञा की, है ना। वो छामे समय पाहुड़ विणमोशुद केवली भणिदम, और क्या कहकर के वंदितु सव सिद्धे, यानी पहली गाथा में ही अपने को अपना लक्ष्य क्या है वो पहली गाथा में आचार्य देव ने बता दिया कि सिद्ध से कम की यहां बात मत करना। समझ में आ गया? तुझे प्राप्त करने योग्य यदि कोई है तो वो प्राप्त करने योग्य एकमात्र सिद्ध दशा है, जिसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री एक शब्द का प्रयोग करते थे, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ ही वास्तविक प्रारंभ है। नहीं, स्वर्ग भी चलेगा अगर सिद्ध दशा नहीं होगी तो वो भी चल जाएगा, ऐसे बात ऐसे जीव की बात यहां नहीं की। पहले नंबर में वंदितु सव सिद्धे ये कहकर के आचार्य देव ने यह भी कहा कि मैं अनंत सिद्धों की स्थापना करता हूं। किसमें? तो उन्होंने कहा कि अपने में करता हूं और अपने श्रोताओं में करता हूं। जरा अपन सोचे कि आचार्य भगवान ने अपनी योग्यता का मूल्यांकन कितना जबरदस्त किया है, अपनी योग्यता का, उनकी योग्यता को तो वो जानते ही हैं, लेकिन अपनी अपने को भी आचार्य ने कैसा समझा कि अनंत सिद्धों की स्थापना करने योग्य समझा अपने को। इसका मतलब क्या
कि स्वभाव से तो हम सिद्ध समान हैं ही, पर्याय में भी सिद्ध दशा को प्राप्त करना हमारा स्वभाव है, पर्याय में भी है ना। जब इतनी ऊंची बात आती है, आत्म स्वभाव की ऐसी उत्कृष्ट बात आती है, तो अपन लोगों के जो अनादिकाल के दुराग्रह हैं, वो दुराग्रह यहां आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो अभी पर्याय में तो विकार है ना, लेकिन अभी तो संसार का तो अभाव करना पड़ेगा ना। अरे उस स्वभाव की, उस स्वभाव का स्मरण तुझे आचार्य कराते हैं कि जिस स्वभाव में संसार है ही नहीं, जिसमें भव और भव का भाव है ही नहीं। कौन सा स्वभाव बता रहे हैं यहां पे आचार्य देव? आचार्य भगवान को पता नहीं कि पर्याय में संसार है, पर्याय में विकार है? उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि पर्याय में है ना, पर्याय तो आनी जानी चीज है, वो तो एक समय के बाद में बदल करके दूसरी पर्याय आ जाएगी। लेकिन तेरा जो नित्य स्वभाव है, तेरा जो त्रैकालिक तत्व स्वभाव है, तेरा जो ध्रुव स्वभाव है, कि उस ध्रुव स्वभाव में ये सब विकार कहां है? ये विकार पैदा ही इसलिए हुआ कि तूने अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि नहीं की। विकार क्यों पैदा हुआ बोलो मनोज जी, क्यों पैदा हुआ? कि इसलिए तो पैदा हुआ ना, आत्मा के अज्ञान में विकार की उत्पत्ति होती है, और आत्मा का ज्ञान होवे तो विकार का नाश करना नहीं पड़ता, हो जाता है। देखो एक चीज समझो, गुरुदेव श्री अभी फरमा रहे थे भी प्रवचन में, बहुत मार्मिक बात आई थी, एक बहुत अच्छी बात आई थी कि जो वस्तु होती है ना, जो शाश्वत वस्तु होती है वो कभी विकृत नहीं होती, उसमें कभी अपूर्णता नहीं होती, उसमें कभी विकार नहीं होता, उसमें कभी न्यूनता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है। और अगर आत्म वस्तु ही विकारी हो जाए तो फिर ये रागादि भाव विकार है, ये किसके साथ तुलना करके आप कहोगे कि ये रागादि भाव विकार है? सोचो जरा, रागादि भाव विकार है ना, मिथ्या दर्शन विकृति है, ये आपने किस आधार पे कहा कि मिथ्या दर्शन ये विभाव है, विकृति है? अगर वस्तु शुद्ध ना हो, वस्तु परिपूर्ण ना हो, वस्तु में न्यूनता का अभाव ना हो, वस्तु में हीनता का अभाव ना हो, तो मिथ्या दर्शन पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि मिथ्या दर्शन है किस चीज का नाम? पूर्ण वस्तु को अपूर्ण मानने का नाम मिथ्या दर्शन है, शुद्ध वस्तु को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है, है ना। तो अगर सच में वस्तु ही अशुद्ध हो तो अशुद्ध को अशुद्ध मानना मिथ्या दर्शन कैसे होगा? ये समझ में नहीं आता। आई बात समझ में? लॉजिक आया समझ में? क्या कहा? मैं सीधी कोई भूमिका बनाए बिना सीधी चर्चा शुरू कर रहा हूं, है ना। सब अपन लोग परिचित है, पहले भी आ चुके हैं यहां, तो है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक ऐसा गजब का सत्य है कि जिस सत्य से समय सार हमें परिचय कराता है। वो कहता है हमें पता है अवस्था में मलिनता है, ये हमें पता है, लेकिन अवस्था की मलिनता अवस्था की मलिनता को याद करते रहने से मिटेगी नहीं। भाई कपड़ा गंदा है, हाँ गंदा है, तो कपड़ा गंदा है कि मेल गंदा है बताना जरा? गंदा कपड़ा होता है कभी? अरे कपड़े पे मेल लग गया तो मेल के संयोग से कपड़े को भी गंदा कहते हैं। और अगर सच में कपड़ा ही गंदा हो तो फिर मशीन में डाल करके भी कैसे साफ होगा? वो मशीन में डालते हैं ना कपड़े को, तो मशीन में डालने पर कपड़ा साफ हुआ, तो कपड़ा साफ हुआ कि मेल निकल गया? तो कपड़ा साफ कहां गया? सच्चाई क्या है मंगल सिंह जी साहब? मेल निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निकल गया, सोचना जरा अभी, कि जो निकल गया वो वस्तु का स्वरूप कैसे हो सकता है? निकल गया ना वो,
तो निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं से आया था। वो आगंतुक है, आ गंतुक, आकर के चले जाने वाला। तो जो आकर के चले जाने वाला है वो वस्तु का स्वभाव कैसे हो सकता है? ना सोने में कीट कालिमा होती है ना, ठीक है। अब अपन अग्नि में डालते हैं सोने को, तो किस भरोसे पे डालते हैं अपन अग्नि में कि कदाचित ऐसा हो कि देखो भाई आप डाल दो अग्नि में सोने को, आपकी तकदीर अच्छी होगी तो आपका सोना बच जाएगा, और तकदीर फूटी होगी हैं तो कीट कालिमा बच जाएगी, सोना जल जाएगा। अगर ये भरोसा अगर अपने को ना हो कि अग्नि में डालने पर कीट कालिमा ही जलेगी, सोना कभी भी जलने वाला नहीं है, तो अपने में से कौन सोने को अग्नि में डालने के लिए तैयार हो? बोलो, झोंक देते कि नहीं झोंक देते अग्नि में? 16 वान ताव में किस भरोसे पे झोंकते कि सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि सोना बिगड़ा हुआ नहीं होता है। सोने के साथ में जो कीट कालिमा है, वो कीट कालिमा वो सोने का स्वरूप नहीं है। सोने के साथ होना और सोने का स्वरूप होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो अभी 3 बोल गुरुदेव ने लिए ना, बहुत मार्मिक बोल लिए थे वो, क्या सोचना जरा, अपने को मलेरिया बुखार आ जाए, बुखार आ जाए, चलो मलेरिया मलेरिया कोई सी भी हो, बुखार आ जाए, तो बुखार आती तो शरीर में ही है, लेकिन शरीर में आने पर भी वो बुखार शरीर का स्वरूप नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस बुखार के पहले भी शरीर था, और इस बुखार के चले जाने पर भी शरीर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। बुखार चली जाएगी, शरीर रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इससे किस बात की सिद्धि हुई कि बुखार शरीर का स्वरूप नहीं है, वो शरीर में किसी जीवाणु की वजह से आ गया है, आ गया है, मुझे बुखार आ गई। बोलते भी अपन लोग, बोलते नहीं बोलते, क्या हुआ क्या हुआ साहब? अरे साहब बुखार आ गया। तो आ गया, आप ही बोल रहे हो ना, आया है और जाएगा, ये आ गया। बोलते कि नहीं बोलते? आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वस्तु के स्वरूप को वस्तु के स्वरूप से देखने की नजर, संयोग से वस्तु को मत देखो, वस्तु को वस्तु से देखने की नजर का नाम समयसार परमागम है। यह वस्तु को वस्तु की दृष्टि से बताता है कि वस्तु कैसी है, संयोग में क्या है, परिणाम में क्या है, वह हमें पता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हम संयोग और परिणाम को गौण करके, संयोग और परिणाम को नहीं देखकर हम वस्तु को वस्तु की दृष्टि कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संयोग का विकार, ये परिणाम का विकार, परिणाम की विकृति, परिणाम की मलिनता कभी भी परिणाम को देखने से नहीं जाएगी। उस वस्तु को देखने से कि जिस वस्तु में मलिनता का प्रवेश ही नहीं होता, ऐसा जो वज्रबिंब भगवान आत्मा है, उस वज्रबिंब भगवान आत्मा की चर्चा इस परमागम समय सार में की। जरा कल्पना करें हम कि 2000 साल पहले इसी भारत देश की पोंदूर मले नाम के उस बिल्कुल निर्जन में बैठे हुए भगवान कुंद कुंद आचार्य जब ये समय सार परमागम लिख रहे होंगे, सोचो तो सही जरा दृश्य। आज भी जाके देखो पोंदूर का वो दृश्य कैसा लगता है, आया कि वहां जब वो लिख रहे होंगे और एक एक गाथा जब ताड़ पत्र पर उत्कीर्ण हो रही होगी, और आचार्य भगवान को तो ऐसा है ही नहीं कि वो लिख लिख करके अपने पास लेकर के घूमते हैं गाथाओं को, क्या हुआ कि ताड़ पत्र पर गाथा लिखी, ताड़ पत्र रख दिया, ताड़ पत्र पर गाथा लिखी, ताड़ पत्र रख दिया, फिर ताड़ पत्र पर गाथा लिखी, ताड़ पत्र रख दिया। किसी भाग्यवान पुरुष ने उन ताड़ पत्रों का संग्रह किया और आज अपने को 415 गाथाओं में इस समय सार परमागम मिला।
1000 साल बाद अमृतचंद्र जैसे महान संत को ये समय सार परमागम की गाथाएं मिली तो उनका हृदय भी डोल उठा, है ना। और उन्होंने समय सार परमागम की वो टीका लिखी कि जिस टीका की प्रशंसा पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में की है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक बहुत अच्छा वाक्य आता है कि यदि तुम्हें सिद्धांत का ज्ञान चाहिए, सिद्धांत का ज्ञान गोमट सार आदि ग्रंथों में पाया जाता है, और यदि अध्यात्म कि अध्यात्म का सूक्ष्म विवेचन समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में पाइए है। बोलो, 300-400 साल पहले पंडित टोडरमल जी साहब ने इस परमागम की अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका की कितनी गजब की प्रशंसा की, क्योंकि गाथा में तो बहुत संक्षिप्त में आचार्य भगवान ने कह दिया है ना, लेकिन बहुत संक्षिप्त में कहने के बाद उस गाथा में क्या मर्म छिपा है। अगर ये अमृतचंद्र आचार्य भगवान की टीका नहीं होती, आपकी हमारी ताकत नहीं थी कि इन गाथाओं में से ये मर्म निकाल पाते। अरे अमृतचंद्र आचार्य की टीका भी हुई है ना, गुरुदेव श्री को यदि ये परमागम नहीं मिला होता इस काल में, भाई साहब समय सार तो लोग पढ़ते थे, और समय सार पढ़ने वालों की समय सारी कहकर मजाक उड़ाने वाले लोग भी थे। और कौन थे वो लोग पता है? पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री पाणारसी ने ये लिखा। क्या लिखा? कि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी समय सार पढ़ते थे तो उस समय हम उनकी समय सारी कहकर के मजाक उड़ाया करते, है ना। यदि कांजी स्वामी का उदय नहीं होता तो दिगंबर जैन समाज में कुंद कुंद आचार्य के शास्त्रों का प्रचार नहीं होता। पंडित जी ने लिखा है, कैलाश सिंह जी साहब ने, बाणारसी वालों ने ये लिखा, हमने कि हमने भी समयसार तब पढ़ा जब ये सोनगढ़ से समयसार की कथनी का प्रचार हुआ। ये कौन कह रहे हैं? उस जमाने के सिद्धांत शास्त्री, मैंने कोई सामान्य विद्वान नहीं थे, हमने तो देखा भी उनको 2-3 बार, सामान्य विद्वान नहीं थे। आप सोचो जरा कि ये परमागम मिल गया अपना भाग्य है, और इन परमागम का रहस्य अपने को मिल गया ये अपना और महाभाग्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो जो अपना ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में अपन ने यही एक रूपरेखा रखी इसकी कि भाई जो भी गाथा अपन चलावे गुरुदेव श्री का, उस पर पहले प्रवचन सुने, भले आधा घंटा जो भी आपका जो भी समय नक्की किया हो वो प्रवचन सुने, सुनने के बाद उस प्रवचन में क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। वैसे तो आपको ये बता दूं मैं कि आधा घंटे का प्रवचन के लिए हमें 3 दिन चाहिए कम से कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन फिर भी एक सब लोगों में एक ये अभियान अभी इस समय देश में चला हुआ है कि सभी लोगों में जिनवाणी के वे रहस्य ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी में साक्षात सुनने का योग सबको बने। और जो सबको लगता है कि ये कठिन है, समझ में नहीं आता है, कि वो भ्रम भी हमारा टूटे। देखो, आप स्कूल गए थे, पहले दिन स्कूल गए थे तो पहले दिन स्कूल जाने पर आपको आता था कि नहीं आता था? नहीं आता था। तो फिर आपने क्या किया कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं स्कूल क्यों जाऊं? ये किया था। क्या किया था कि भैया जाएंगे पढ़ेंगे, कैसे नहीं आता। और हमने निरंतर उस पढ़ाई को जारी रखा तो आज अपन लोग इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज अपन लोग, अपन तो पढ़ते ही हैं, अपन दूसरों को भी पढ़ा देते हैं, है कि नहीं, इस मुकाम पर पहुंचे। तो ये घबराने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है कि भैया ये गुजराती भाषा है अथवा हिंदी भाषा में भी गुजराती पुट आ जाता है, फलाना है फलाना, कोई रंच मात्र घबराने की आवश्यकता नहीं। आज युग ने अपने को वो साधन दिए कि आपको हर प्रवचन के नीचे सबटाइटल मिल रहा है। ये नहीं मिले
तो आपको प्रवचन मिलेगा और प्रवचन के साथ में उसकी पीडीएफ पुस्तक मिलेगी। जो यहां बोला जा रहा है गुरुदेव के द्वारा वो आपको प्रोजेक्टर पर पढ़ने को आपको मिलेगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और कि ये आत्मा तो भाई साहब केवल ज्ञान प्राप्त करने के स्वभाव वाला है, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के स्वभाव वाले आत्मा को क्या नहीं समझ में आएगा जरा बताना। कि जिसका स्वभाव कैसा कि एक अंतर्मुहूर्त यदि अपने में डुबकी मार ले, अंदर में से केवल ज्ञान लेकर के आवे। नहीं, अपने तो गौतम गणधर है ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गौतमो गणी बोलते हैं ना, पर दूसरे नंबर पे भगवान महावीर के बाद, वो भगवान महावीर के बाद वाले जो गौतम गणधर हैं उनका इतिहास सुनो तो अपना इतिहास उससे ज्यादा खराब नहीं है। क्या कह रहा हूं, गणधर बनने के पहले का उनका इतिहास सुनो कि 500 शिष्यों के गुरु, और कैसे गुरु, महाअभिमानी नहीं थे। इतिहास तो पढ़ा होगा ना, गौतम स्वामी का चरित्र तो पढ़ो, कैसे परिणामों का क्षण में परिवर्तन होता है। इधर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, 66 दिन तक नहीं खिरी, इंद्र को विकल्प आया क्यों नहीं खिरी। पहली बात तो उस सभा के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी और वो लोग रोजाना समो शरण में आते रहे। अपने यहां का विचार करना जरा, अपने यहां पर अपन कोई प्रोग्राम रखें 8 से 9 बजे, 9 से 10 बजे जो भी प्रवचन चलेगा ये चलेगा, और लोग आवे और कोई प्रवचन नहीं करें और 1 घंटा बैठ करके चले जाएं। आप लोगों में से, हम लोगों में से, मैं भी शामिल हूं उसमें, अपन लोग कितने दिन आएंगे बोलो है? एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, अरे फालतू तो हमको क्या मूर्ख समझाएगा तुम, क्या बोलेंगे, मूर्ख समझा हमको। रोजाना घोषणा होती है और कार्यक्रम कुछ होता नहीं है, हम फालतू हैं, हमारा समय फालतू है। लेकिन आप विचार करो कि 9 घंटे 36 मिनट वो लोग 66 दिन तक लगातार देते रहे, तब जाकर के इंद्र को विकल्प आया कि भैया हो क्या रहा है, किसी तीर्थंकर, मैंने इतने तीर्थंकरों के कल्याणक मनाए, किसी कल्याणक में, किसी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में इतना विलंब नहीं हुआ, इधर केवल ज्ञान हुआ, इधर धर्म सभा बनी और ओंकार ध्वनि खिरने लगी, हुआ क्या? एकदम इंद्र को विकल्प आया, अवधि ज्ञान लगाया, देखा गणधर नहीं है और गणधर होने की योग्यता उस जीव में है। अगर हम और आप होते तो सबसे पहले उस इंद्र को कैटेगरी में खड़ा करते कि जब तुझे पता था तो 66 दिन तक हमारा टाइम क्यों खराब किया, ये बता पहले तुमको, नहीं होता बोलो है? कि तुम्हें पता था ना, तुम्हारे पास अवधि ज्ञान था कि नहीं था ये बताओ, अवधि ज्ञान था ना तुम्हारे पास, 66 दिन तक क्यों खराब किया हमारा टाइम, 66 दिन पहले नहीं लगा सकते थे, एक आध दिन चलो मानते हैं, एक आध दिन तुमको ख्याल नहीं आया होगा, नहीं लगा सकते थे। और जिन गौतम गणधर को तुम आज लेकर के आए हो ये तो धरती पर पहले से भी विद्यमान थे, 66 दिन पहले क्यों नहीं लाए इनको, ये प्रश्न हुआ कसाई पाहुड़ में, सठखंडागम में ये प्रश्न उठा, भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी 66 दिन तक। तो उन्होंने कहा गणधर का अभाव होने के कारण। तो फिर प्रश्न किया कि इंद्र ने उसी समय गणधर को लाकर के उपस्थित क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि काल लब्धि के बिना इंद्र भी उस समय उन्हें उपस्थित करने में असमर्थ था। क्यों नहीं था भाई, कि 66 दिन तक उनकी गणधर की पर्याय, गणधर को भी तो 66 दिन तक गृहित मिथ्या दर्शन की पर्याय में चलना है, उनकी पर्याय के क्रम में भी सम्य दर्शन का क्रम किधर आया। ऐसे एक एक पर अगर आप विचार करोगे तो भाई साहब उन गौतम गणधर को कि जिनको वो इंद्र गया, मेरे को दूसरी बात कहनी इसमें तो लंबी चौड़ी कहानी तो आपको सब पता है, वो इंद्र गया और इंद्र ने क्या प्रश्न पूछा था, जो अपने बच्चे लघु सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं वो प्रश्न पूछे थे, वही पूछे थे ना, त्रिकाल्यम द्रव्य सटकम नवपत सतकाय जीवलेश्या, 6 द्रव्य कौन से हैं, 9 पदार्थ कौन से हैं, 7 तत्व कौन से हैं, 3 काल कौन से हैं,
है ना। और वो गौतम गणधर का, वो जो गौतम था ना ब्राह्मण, का माथा घूम गया था। अब ब्राह्मण का भेष बना करके गया ये, तो इसके इतने से प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पा। लेकिन अभी अभी अपने शिष्यों के सामने ये बात कैसे कबूल करेगा, मुझे नहीं आता, होता है ना ये मूछ बड़ी खराब चीज है। अपने शिष्यों के सामने अपनी अज्ञानता को कैसे स्वीकार करे, चल तेरे गुरु से चर्चा करूंगा। इंद्र ने कहा हां महाराज चलो, मन ही मन सोचे कि मैं आए इसलिए था, तुमको ले जाने के लिए तो आया था मैं। गए और एकदम वहां जाकर के देखो कि जिसको थोड़ी देर पहले 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचाष्टी काय आदि के नाम पता नहीं थे, ख्याल में आया, एक घंटा भी नहीं लगा ना, थोड़ी देर में वो जीव द्वादसांग की रचना करने की सामर्थ्य वाला गणधर हो गया। मिथ्या दर्शन कहां गया, मिथ्या ज्ञान कहां गया, मिथ्या चरित्र कहां गया, सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, मुनि दशा के योग्य, 3 कसाई चौकड़ी के अभाव रूप चरित्र आ गया। आया समझ, गणधर पद आ गया और द्वादसांग की रचना का सामर्थ्य प्रकट हो गया। बोलो, जिसको थोड़ी देर पहले 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पता नहीं, और थोड़ी देर बाद द्वादसांग की रचना और भगवान का, भगवान की सभा के मुख्य गणधर, क्या है ये? आत्मा की अचिंत्य सामर्थ्य को नहीं बताता ये? अज्ञान को जाने में कितना टाइम लगेगा? सुनने से पहले ही आ गया सुनने दिव्य ध्वनि तो जब इधर वो उधर उनकी मुनि दशा हुई तब उनको तब दिव्य ध्वनि खिरी, उसके पहले इतना काम हो गया। बोलो, आत्मा के स्वभाव की सामर्थ्य कितनी गजब की है, हमें अपने सामर्थ्य का भरोसा नहीं है। ऐसा कैसे? अरे भैया पुराणों को पढ़ो, पुराणों में यह मिलेगा कि कितना पापी से पापी जीव आत्म स्वभाव की सामर्थ्य को समझ करके परमात्मा बन गया। अंजन चोर का उदाहरण सुनाइए, कितने पाप जीवन में किए, लेकिन जिस दिन उनने उसके कान में ये तत्व ज्ञान की बात पड़ी और एकदम अंतर्मुख उपयोग करके 8 दिन के अंदर तो सिद्धालय में पहुंच गया वो जीव। आत्मा की स्वभाव की महिमा अपने को नहीं आती है कि मेरी सामर्थ्य कितनी गजब की है, कैसा सामर्थ्यवान तत्व हूं मैं, यह अपने को अपनी महिमा नहीं आती। समय सार केवल अपने को अपनी महिमा लाने का ग्रंथ है, क्योंकि यह ग्रंथ अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी के लिए बनाया गया है। क्या कहा? क्योंकि आचार्य ने 4 नंबर की गाथा में लिखा कि सारे जगत के जीव ने काम भोग और बंधन की कथा सुनी है, उसका परिचय किया है, उसका अनुभव किया है, इसलिए वो तो सबको सुलभ है। हर कोई जीव काम भोग बंदी की कथा तो सभी करेंगे, 5 इंद्रिय के विषय कषायों की कथा, पाप नहीं करना पुण्य करना, पाप नहीं करना पुण्य करना, ये बातें तो सभी सुनाने वाले हैं। लेकिन पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। बोलो, ये जो गाथा का स्वर निकला ये किसकी, किसके लिए समय सार है, ये बात बताता है कि जिसको एकत्व की, पर से जुदा एकत्व की, माने इसमें 2 शब्दों पे पूरा समय सार बना है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा किनसे भिन्न, कि संयोग से भिन्न, संयोगी भाव से भिन्न, अरे अपने ही अवलंबन से उत्पन्न होने वाली एक समय की निर्मल पर्याय से भी भगवान आत्मा तो भिन्न है, वो तो त्रिकाल सामर्थ्य का धनी परिपूर्ण परमात्मा है। हेल में तो अपने परिपूर्ण सामर्थ्य से भरपूर, माने अपने से एकत्व और पर से विभक्त, उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की उपलब्धि इस जीव को सुलभ नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा
कि हम उस एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दर्शाएंगे। अब बोलो आचार्य देव जब ये कहें कि एकत्व विभक्त आत्मा की उपलब्धि सुलभ नहीं है, तो क्या एकत्व विभक्त आत्मा की उपलब्धि सम्यक दृष्टि को सुलभ नहीं है? अरे सम्यक दृष्टि तो कहते ही उसे जिसने एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव किया। एकत्व विभक्त आत्मा की उपलब्धि क्या श्रावक को सुलभ नहीं है? क्या मुनिराज को सुलभ नहीं है? कि अरे सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनिराज तो कहते ही उन्हें हैं कि जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की अनुभूति करते हैं और निरंतर अनुभूति करते हैं वो मुनिराज, जो निरंतर उसकी अनुभूति में डूबे रहते हैं। तो सुलभ नहीं है ये कहकर के आचार्य किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? आचार्य ये कह रहे हैं कि जगत के इस मिथ्या दृष्टि जीव को, जगत के इस अज्ञानी जीव को जो अपने वैभव को भूला है, जो भी कह रहे थे ना 38 नंबर की गाथा का रेफरेंस दे रहे थे कि अपने परमेश्वर को भूल गया था। बोलो आचार्य आत्मा को क्या कह रहे हैं? कि आचार्य कह रहे हैं कि भगवान आत्मा परमेश्वर तत्व है। आचार्य क्या कह रहे हैं आत्मा के लिए कि भगवान आत्मा कैसा तत्व है? कि ये परमेश्वर तत्व है। तू अपनी परमेश्वरता को भूल गया, इतनी कमी है तेरी बस। जैसे वो आता है कि नहीं आता कि शेर का बच्चा और गधों के टोलों में घुस गया, ठीक है, अब वो कुमार के गधों के साथ मिट्टी ढोता है और उन गधों के साथ ही मिट्टी ढोता, एक कहानी आती कि नहीं कि मिट्टी ढोता है और वो जैसे उन गधों को कुमार मारता है ऐसे वो शेर भी मार खाता है। क्यों मार खाता है? कि उसने अपने को भी गधा समझ लिया है, मैं शेर हूं इस बात को भूल गया है तो मार खा रहा है। अब एक बार वो पूरा झुंड जा रहा था, उतने में ऊपर पहाड़ी पर एक शेर ने देखा कि अरे मेरी जाति बिरादरी का है ना, और ये इन गधों के झुंड के साथ चलता हुआ कुमार के द्वारा पिट रहा है, तो उसने एक दहाड़ ऊपर से मारी। क्या अब समझ लो 99 गधे हों और एक शेर का बच्चा हो, सो थे वो, और ऊपर से एक दहाड़ मारी, कितने बचे हैं? कितने बचे? कि एक बचा खाली, वो 99 तो भग गए। जब उसने दहाड़ मारी तो वो गधे तो सब भग गए, इसने पहले उसे देखा, कौन है? ओ उसको देख करके अपने को देखा और अपने को देख करके एक और दहाड़ मारी, उसने भी, छोटे बच्चे ने भी दहाड़ मारी। दहाड़ मारी तो जो थोड़े नजदीक नजदीक में थे ना, जो थोड़े ऊपर वाले दहाड़ से जो थोड़े भगे थे लेकिन अभी निकट में ही थे, तो वो और भग गए। हमारी हालत क्या ऐसी नहीं? हम अपनी शेर स्वभाव को भूलकर, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को भूलकर, अपने परमेश्वर स्वभाव को भूलकर इन पुण्य पाप की गदा मजदूरी में लगे हुए हैं। क्या है मजदूरी है और क्या है? है कि नहीं? अब आचार्य भगवान ने आवाज लगाई, तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी दुर्दशा देखी, आचार्य भगवान ने अपनी दुर्दशा देखी, ज्ञानियों ने अपनी दुर्दशा देखी कि अनंत वैभव का संपन्न, अनंत वैभव से संपन्न होने पर भी यह अपने स्वरूप को भूल करके मजदूरी में लगा हुआ है। उन्होंने ऊपर से दहाड़ लगाई, क्या लगाई? कि मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। क्या हुआ? कि जहां परमात्मा की गूंज आई, जिस समय हो आत्मदृष्टि गर्म थर थर कांपते हैं, इसने वो मैं परमात्मा की गूंज सुनी, पहले उनको देखा, कौन है मुझे परमात्मा कहने वाला? अरे ये तो वीतरागी संत हैं, ये तो जिनेंद्र परमात्मा हैं, ये तो ज्ञानी धर्मात्मा हैं,
उनको देखा, उनकी गर्जना को सुनकर के अपने स्वभाव को देखा, और अपने स्वभाव को देख करके अंदर से गर्जना आई कि मैं परमात्मा हूं। अब बोलो ये पामरता कहां गई, कहां गई पामरता? 100 साल का अंधेरा हो उसे भगाने के लिए कितना साल चाहिए, कितने साल? अरे साहब 100 साल से तो लाइट जली, 100 साल से इस कमरे में अंधेरा है, अभी 1 साल तो कम से कम लगेगा, क्यों 6 महीने तो अपने को जागरण करना पड़ेगा, इस कमरे में बैठ के करना पड़ेगा ना, 6 महीने तो जागरण करेंगे, बाद में अंधेरा। अरे भैया कुछ नहीं है, एक माचिस की तीली जलाओ, अंधकार गया। हम तो अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि, हम तो अनादिकाल के पापी, हमने तो अनादिकाल से अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। अरे अनादिकाल से अपने स्वरूप को नहीं जाना तो क्या अनंत काल तक तुझे इस बात के लिए चाहिए कि अनंत अनादिकाल से मैंने नहीं जाना? नहीं आया समझ में? क्या कहा? अनादिकाल से हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, कोई बात नहीं, नहीं जाना वो तो नहीं जाना, वो तो हो गया, वो तो गया भूतकाल। तो अब ये क्या कहता, मैंने तो अनादिकाल से अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, मैंने तो अपना अनादिकाल से अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। तो मैंने कहा देखो अनादिकाल से तो अपने स्वरूप को जाना नहीं, और क्या अब अनंत काल इस बात के लिए बिताओगे कि मैंने अनादिकाल से अपने स्वरूप को जाना नहीं, इस बात के पश्चाताप करने के लिए अनंत काल और बिताना है? अरे नहीं जाना तो जान लेना, कौन मना करता है? भगवान की पूजा में बोलते हैं मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। मैं कहता हूं एक दिन अपन ने बोला कि मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं, फिर दूसरे दिन आकर के और बोलते हैं अपन वही बात, फिर तीसरे दिन आकर के वही बोलते हैं, है ना? ये तो अपने भगवान वीतरागी हैं इसलिए सुन लेते हैं, ठीक है ना? नहीं तो अपने सामने अगर कोई रोज रोज एक ही बात बोले तो फिर अपन क्या बोलते हैं कि सुधार लेना अपनी गलती को, मैं भूल स्वयं के वैभव को, तो किसने कहा तू भूल, तू जान लेना अपने वैभव को। लेकिन बस चल रहा है, देखो भाई उस वैभव का परिचय कराने वाला, जिस वैभव को हम भूल करके भिखारी के जैसा जीवन बिता रहे हैं, सुख के लिए 5 इंद्रिय के विषयों से भीख, ज्ञान के लिए परगेयों से भीख, है ना, मुक्ति के लिए कि भगवान आपके भरोसे मैंने अपनी नैया क्या किया कि सागर में डाल दी है, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नैया डाल दी, तो आदिनाथ ने कहा तेरी नैया बेटा गारंटी से डूबेगी। क्या कहा? क्या कहा? गारंटी से डूबेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये कब कहा था कि मेरे भरोसे तू नैया डालना, और किसी के भरोसे किसी की नैया तरती है ये जैन दर्शन का सिद्धांत ही कहां है? इसलिए आदिनाथ भगवान कहते हैं कि भक्ति में भले ही ये बोलना लेकिन मानना मत ऐसा कि आदिनाथ भगवान के भरोसे तेरी नैया तिरेगी, क्योंकि आदिनाथ भगवान के भरोसे अगर नैया तिरती तो मारी चीकी उसी भाव में तिर जाती, नहीं तिरेगी, अपने भरोसे तिरेगी। तो अपने पर अपना भरोसा लाने का ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम है समय सार। भरोसा ही नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? एक एक गाथा में इतना गजब का मर्म है, है ना? तो देखो 5वें नंबर की गाथा में प्रतिज्ञा की कि उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा। मुनिराज का निज वैभव क्या है? मुनिराज के पास तो वैभव कुछ होता नहीं, कि सच्चा वैभव ही मुनिराज के पास होता है, सच्चा वैभव ही मुनिराज के पास होता है। जिसको हम वैभव समझते हैं वो तो पुद्गल के स्कंद हैं। क्या है बच्चा बता दो? नोटों के बंडल हैं तो क्या है? पुद्गल के स्कंद हैं। सोने चांदी हो तो, डायमंड हो तो क्या है? ये तो पुद्गल के स्कंद है, तो क्या है इसमें? पुद्गल है, पुद्गल के ढेर हैं ये तो। अरे वास्तव वो वैभव कि जिस वैभव को कोई लूट नहीं सकता, ख्याल में है कि नहीं है? जिस जो वैभव एक बार प्रकट होने के बाद
निरंतर बढ़ता 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 इतना बढ़ता है कि सिद्धालय में जाकर के ही उसकी पूर्णता होती है, कमी होने का तो सवाल ही नहीं। इस वैभव का क्या भरोसा, आज करोड़पति है, कल एक क हटना है खाली, क हटते ही क्या हो जाएगा, क हटते ही क्या हो जाएगा करोड़पति, तो क्या काय का वैभव है जो कभी हमें करोड़पति बना दे कभी हमें रोड़पति बना दे, वो काय का वैभव है। माने उस वैभव के आधार, माने उस जड़ के आधार पर हम अपना मूल्यांकन करें, किसके आधार पर, कि उस जड़ पुद्गल के स्कंदों के आधार पर, पुद्गल पिंडों के आधार पर हम अपना मूल्यांकन करें कि हम इतने वैभवशाली हैं, आत्मा की इससे बड़ी दीनता और क्या होगी, कि एक चैतन्य तत्व होकर, ज्ञान और आनंद का पिंड तत्व होकर इन पुद्गल के पिंडों से अपना मूल्यांकन करता है। भाई तू ज्ञान और आनंद स्वभावी तत्व है ना, और ज्ञान और आनंद स्वभावी तत्व के आधार पर अपना मूल्यांकन कर तो ही इस मानव जीवन की सफलता है। आचार्य भगवान ने यही कहा कि मैं उस वैभव को दर्शाऊंगा, मैंने दर्शाने का काम करना है, तुझे स्वानुभूति से प्रमाण करने का काम करना है। आचार्य भगवान अपने वैभव को अपनी स्वानुभूति से दर्शा रहे हैं और श्रोता से यह नहीं कह रहे कि तू हमारे कहने से मानना, हम अपनी स्वानुभूति से कह रहे हैं और तू अपनी स्वानुभूति से उसे प्रमाण करना। आचार्य देव की इससे बड़ी प्रमाणिकता और क्या होगी। आया, ऐसा अद्भुत ग्रंथराज है, सुबह के समय अपन इसी ग्रंथराज पर चर्चा करेंगे, शाम को मैं नियम सार कर लेके आया हूं, मैटर बहुत अच्छा है, शुद्ध भाव का भी ऐसा सब टाइटल वाला ही है, चाहे तो आप वो अपन उसका उपयोग करेंगे और शाम को अपन नियम सार पर अपना शुद्ध भाव अधिकार जो है ना उस पर अपनी चर्चा अपन लोग चलाएंगे। बराबर, अभी अपना समय हो।